हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर्स ऑफ रिकीज़ किचन। आई होप कि आप सब हेल्दी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज जो रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है चिली चिकन। स्ट्रीट मार्केट में जो फूड स्टॉल्स होते हैं ना, उसमें जो चिली चिकन सेल होते हैं बिल्कुल वैसा ही इसमें टेस्ट आएगा, एकदम इंडियन रेस्टोरेंट जैसा। इंडियन रेस्टोरेंट में जो चिली चिकन बनता है उसमें हल्का सा इंडियन टच रहता है, ऑथेंटिक चाइनीज़ डिश ये नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले मैंने ले लिया एक बड़ा सा बोल और उसमें मैंने ले लिया है चिकन के छोटे छोटे पीसेज। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है। आप ब्रेस्ट और थाई का जो बोनलेस पीसेज है वो ले सकते हैं। मैंने मिक्स लिया है, हल्का हल्का बोन भी इसमें है। उसमें मैंने ऐड किया है एक चम्मच नमक और एक चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अब मैं उसमें ऐड कर रही हूँ एक चम्मच अदरक का पेस्ट और एक चम्मच लहसुन का पेस्ट। कलर के लिए मैं ऐड कर रही हूँ इसमें एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। उसके साथ ही मैं इसमें एक अंडे को फोड़ के दे देती हूँ। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। सारे चीज़ों को मैं चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट कर लूँगी। चिली चिकन बनाने के लिए चिकन का जो पकौड़े टाइप का फ्राई होते हैं ना, उसके लिए जो मैरिनेशन है वो मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया है। लास्टली इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधा नींबू का रस। फिर से मैं नींबू के रस के साथ चिकन को अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसे ढक के कम से कम 1 घंटे के लिए रख दूंगी। 1 घंटे तक ये मैरिनेट में रहेगा तो चिकन में फ्लेवर्स बहुत अच्छा आएगा। अब चिली चिकन का ग्रेवी जो है उसके लिए मुझे लगेगा अनियन। 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है मैंने और उसको मैंने एकदम बड़ा बड़ा टुकड़ा में कट कर लिया है। 1 कैप्सिकम लिया है मैंने, उसको भी मैं ट्राइंगल शेप में कट कर लिया है। आप स्क्वायर में भी कट कर सकते हैं लेकिन बड़ा बड़ा टुकड़ा रखिएगा। 4 से 5 हरी मिर्चों को मैंने बीच में से चीर के ले लिया है। 1 मुट्ठी धनिया पत्ता मैंने चॉप करके ले लिया है और इसके साथ मुझे लगेगा अदरक का पेस्ट। गैस ऑन करके उसमें मैंने एक कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई में मैंने ले लिया है कम से कम 2 से 3 कप सनफ्लावर ऑयल, क्योंकि चिकन को है वो मुझे डीप फ्राई करना है। तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रख दिया था 1 घंटे के लिए, उसको एक एक करके तेल में छोड़ देंगे और एकदम डीप ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे अलट पलट के। 1 बैच में अगर चिकन फ्राई पूरा ना हो तो आधा आधा करके आप फ्राई कर लीजिए 2 बैचेस में। देखिए चिकन एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई हो गया है, ये पूरा बॉयल भी हो गया है। ऐसे भी आप स्नैक्स के तौर पे भी इस पकोड़े को एंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। सारे पकोड़े जो है चिकन का वो तल के रेडी हो चुका है। तेल से छान के उसको मैं अलग एक बोल में निकाल के रख देती हूँ। अब चिली चिकन का ग्रेवी बनाएंगे। वही तेल जिसमें मैंने चिकन को फ्राई किया था उसको मैंने इसमें ले लिया है 3 से 4 चम्मच और एकदम हाई हीट में कढ़ाई का चारों तरफ को तेल लगाते हुए इसको एकदम बहुत ज़्यादा हीट करेंगे, एकदम धुआं निकलने तक इसे हीट करेंगे। उसके बाद मैंने 8 से 10 लहसुन के कलिया को फाइन चॉप करके रखा हुआ था उसको तेल में डाल दिया। उसके साथ ही मैंने डाल दिया है 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। अच्छे से दोनों चीज़ों को मैं 1 मिनट के लिए भून लूँगी। फिर मैं उसमें डाल दिया है जो हरी मिर्ची कटे हुए थे वो। अदरक लहसुन को बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। हरी मिर्चों के बाद मैंने उसमें डाल दिया है जो सब्जियाँ कटे हुए थे, प्याज और कैप्सिकम वो। सारे चीज़ों को मैं एकदम हाई हीट में मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट तक ही फ्राई करूँगी। पूरा बॉयल नहीं करना है सब्जियों को, उसमें हल्का सा क्रंचीनेस रहना चाहिए तो ही खाने में एकदम ऑथेंटिक चिली चिकन जैसा लगेगा। 1 से 1.5 मिनट तक मैं इसे हाई हीट में फ्राई कर लिया है। फिर मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सब चीज़ों को अच्छे से मैं एक बार मिला लेती हूँ स्पैचुला से। ये पूरा जो चिली चिकन का प्रोसेस है ये बहुत फास्ट हो जाता है क्योंकि इसे एकदम हाई हीट में रख के हमें करना है।
अब मैं इसमें डालूंगी कुछ सॉसेस। सबसे पहले मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून सोया सॉस, डार्क सोया सॉस है ये। उसके बाद मैं ले रही हूँ इसमें 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस। अगर आपको थोड़ा तीखा कम चाहिए तो आप 1 चम्मच भी ले सकते हैं, लेकिन रेड चिली सॉस ही डालने का कोशिश कीजिएगा, ग्रीन चिली सॉस इसमें मत डालिएगा। फिर मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून विनीगर। अब मैं ले लूँगी इसमें 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप। अच्छे से सारे सॉस जो है मैंने डाला है उसको अच्छे से भूनेंगे। इस टाइम में भी गैस जो है वो एकदम हाई फ्लेम में ही है। अच्छे से कम 1 से 1.5 मिनट तक और भूनेंगे। अच्छे से जो सॉस का कच्चापन है वो चला जाएगा, हल्का हल्का तेल निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इस स्टेज में मैं इसमें ऐड कर दूंगी सारे जो फ्राई किया हुआ चिकन का पीसेस था वो सब। अच्छे से जो सॉस का मिक्सचर है उसके साथ चिकन को अच्छे से मिला लेंगे। आप में से जो लोग ड्राई चिली चिकन खाना पसंद करते हैं या फिर एज ए स्नैक्स ड्राई चिली चिकन को एंजॉय करना चाहते हैं, उन सबों के लिए मैं बोल रही हूँ कि इस स्टेज तक करने के बाद ही रेसिपी ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही आप 1 से 2 मिनट तक चला के मिक्स कर लेंगे और उतर के एंजॉय करेंगे गरम गरम। लेकिन जो लोग इसे रोटी पराठा चिली फ्राइड राइस या फिर नूडल्स के साथ साइड डिश के हिसाब से एंजॉय करना चाहते हैं उन्हें थोड़ा सा तो ग्रेवी लगेगा। मैं भी आज इसे पराठे के साथ सर्व करने वाली हूँ तो थोड़ा सा मुझे इसका ग्रेवी लगेगा। तो मैंने 1 बोल ठंडा पानी में 1/2 चम्मच कॉर्नफ्लावर को मिक्स करके रख दिया था एक स्लरी बना के। कॉर्नफ्लावर का स्लरी भी मैंने इसमें डाल दिया है। उसके साथ ही मैंने इसमें 1/2 कप गर्म पानी भी डाला था। हाई हीट में इसे हिलाएंगे चम्मच से। पूरा ग्रेवी थिक हो गया है। अब लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच हनी। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं खाने में चीनी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, जनरली गुड़ का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन चिली चिकन में गुड़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बदले में हल्का सा मिठास के लिए मैंने डाला है 1 चम्मच हनी। और एकदम लास्ट में उतरने से पहले मैंने डाल दिया है जो कटे हुए हरे धनिए के पत्ते थे, उसको मैंने ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया। देखिए चिली चिकन जो है वो मेरा एकदम बन के रेडी हो गया है। गैस ऑफ करके ढक के मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए स्टैंडिंग टाइम के लिए रख दिया था। ये अच्छे से हो गया है। अब इसे करते हैं प्लेटिंग। इसे गरम गरम सर्व कीजिएगा दोस्तों, रोटी पराठा फ्राइड राइस नॉर्मल राइस जीरा राइस या फिर नूडल्स के साथ, जैसे आपके मर्जी वैसे आप सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, एकदम जो मार्केट में मिलता है ना इंडियन मार्केट का स्ट्रीट फूड जो होता है चिली चिकन, एकदम सिमिलर टेस्ट आएगा और बहुत ईजिली क्विकली बन जाता है, आपने तो देखा ही। इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसा लगा वो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल फ्लेवर्स ऑफ रिकीज़ किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।